शीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो इस वीडियो में जो है वो आप देखेंगे कि ASP.NET कोड के अंदर हम अपनी इमेज को अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं और उसको पैच किस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने विजुअल स्टूडियो 2022 सर्वर को ओपन किया है। उसके अलावा साथ साथ हम लोग SQL सर्वर को भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक नया प्रोजेक्ट बनेगा। सी शार्प, विंडोज, वेब आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी साइड पे ऑप्शन आ रहा है, वरना मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ये ठीक है। इसको मैंने यहाँ से जो है वो नेक्स्ट किया। इमेज अपलोड एंड फैच के नाम से जो है वो मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के बाद यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया सबसे पहले तो SQL सर्वर को, एंड न्यू क्वेरी करके यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो बस एक डेटाबेस बनाएंगे। यहाँ से मैंने क्वेरी लिखी इसके अंदर के लिए डेटाबेस, और डेटाबेस का यहाँ पर मैंने कोई भी इसको नेम असाइन कर दिया, जैसे कि इमेज DB। ठीक है, अच्छा, VS पे आ जाए तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन चुका है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम कोड फर्स्ट अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले तो मेरे पास SQL सर्वर, ठीक है, ये रहा मेरे पास। एंड इसका जो वर्जन हम सेलेक्ट करेंगे 6.0.15 सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो सेकंड पैकेज आएगा वो कौन सा आएगा, टूल्स का आएगा। और यहाँ से मैंने अगेन 6.0.15 सेलेक्ट किया, इंस्टॉल करें इसको, ओके, एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, डेटाबेस तो हम बना चुके हैं, ऐप सेटिंग की फाइल में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे इसके अंदर, कनेक्शन स्ट्रिंग, कोई भी एक यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग के अंदर क्या आएगा, डेटाबेस का नाम। उसके अलावा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, सर्वर का नाम हम कॉपी करेंगे और डेटाबेस का नाम यहाँ से हम कॉपी करेंगे। सर्वर का नाम मेरे पास ये रहा, कंट्रोल सी किया है मैंने इसको, एंड अपने VS पे लेके जाते हैं इसको, पेस्ट। ठीक है, उसके अलावा डेटाबेस का नाम यहाँ से कॉपी होगा, पेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मेरे पास मॉडल पर राइट क्लिक करके यहाँ से बनेगी एक क्लास, कि किसी भी नाम से क्लास बन सकती है, मतलब इस हम यहाँ मॉडल बनाने लगे। और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो है वो कुछ कॉलम्स को यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे प्रॉप ले लें ID, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया की, कंट्रोल डॉट करें, एंटर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ कॉलम सेट करवा रही हूँ, स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ मैंने ले लिया इसके अंदर नेम। ठीक है, उसके अलावा इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कह दिया इसको ईमेल नेम, प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी टाइप भी हम क्या रखते हैं, इंट रख लेते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले रही हूँ इमेज के लिए। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक और यहाँ पे क्लास बनेगी, एड क्लास। ठीक है, माई कॉन्टेक्ट्स के नाम के लिए वो यहाँ पे क्या बनेगी, क्लास बनेगी, जिसको हम इनहेरिट करेंगे DB कॉन्टेक्ट की क्लास के साथ। लेकिन इसके लिए आपके पास आपके जो पैकेजेस हैं वो इम्पोर्ट हुए वो होने चाहिए। ठीक है, जो हमने पहला स्टेप किया था, जो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, वो आपके पास अगर नहीं हुए वो होंगे तो आपको ये एरर शो करेगा। ऑप्शंस ले लेते हैं, यहाँ भी ऑप्शंस पास होगा। ठीक है, वो जो मैंने अभी प्रोडक्ट की क्लास बनाई थी, वो प्रोडक्ट की क्लास मेरे पास यहाँ पे आके कॉल होगी, प्रोडक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे DB सेट, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कोई भी यहाँ पे नाम देते हैं, ये इस नाम से आगे टेबल बनेगा। ये जो ऑप्शन है अभी हम ये program.csv फाइल में यूज कर रहे हैं, program.csv में आ जाए, यहाँ पे हम लेंगे builder.services.addDBContext, यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट वाली फाइल का नाम, ऑप्शन जो हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया था सेम आएगा, options.useSQLServer। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग,
राउंड ब्रैकेट में डबल कोटेशन में ऐप सेटिंग पे जो पास किया था हमने कौन, वो यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करनी है, कमांड चलानी है। कमांड चलाने के लिए हम कहाँ पाएंगे, टूल्स पाएंगे, नगेट पैकेज, पैकेज मैनेजर कंसोल, एड माइग्रेशन, कोई भी एक नाम असाइन करते हैं इसको, एंटर करते हैं। इससे क्या होगा, मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट के अंदर माइग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, और जो हमने टेबल बनाया था और जो कॉलम इसमें सेट किए थे प्रोडक्ट के अंदर, वो यहाँ पे उस माइग्रेशन के अंदर वो सारी चीजें जो है वो कॉल कर लेगा। ठीक है, माइग्रेशन मेरी बन गई, देखिए यहाँ सारे कॉलम्स आ गए। इसके अलावा मैंने यहाँ से कह दिया इसको अपडेट हाइफन डेटाबेस। इस कमांड से क्या होगा, मेरे पास जो हमारे सारे जो टेबल्स हैं वो तो मेरे पास ही आगे पहुँचा देगा। ठीक है, चेक करें इमेज डीबी टेबल्स, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल आ चुका है। ठीक है, अच्छा कॉलम्स में तो सही आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एक क्या बनेगा, बनेगा मेरे पास एक कंट्रोलर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से किया है ऐड, किसी भी नाम से बन सकता है लेकिन आगे कंट्रोलर सी कैपिटल इस तरीके से प्रॉपर लिखना। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, माय कॉन्टेक्ट्स की जो फाइल थी वो कॉल होगी, कोई भी यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया। अब मेरा क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का नाम एंड क्लास का नाम सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉरी कंट्रोल सी वी माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको एक पैरामीटर पास किया, ऊपर जो माई कॉन्टेक्स्ट है उसको हम इक्वल करेंगे इस माई से। ठीक है, अब पूरे प्रोजेक्ट में हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट बनाया किसी भी नाम का, जैसे कि एड प्रोडक्ट, और यहाँ मैंने कह दिया इसको रिटर्न व्यू। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा एक बन गया। अभी हमें नेक्स्ट काम करना है, उससे पहले हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू बना लेते हैं, रेजर व्यू एड। ठीक है, ऐड करेंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट, यहाँ पे हमारे मॉडल का नाम जिससे हमें इंसर्ट करना है, और यहाँ पे आपकी माय कॉन्टेक्ट्स वाली फाइल का नाम, को टेम्पलेट है तो उसमें हम सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल मेरे पास नहीं है इसको मैंने यहाँ से ऐड किया। ठीक है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी क्या करेगा, अपने पैकेज को बैकएंड पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे पास जो है वो मेरा व्यू यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, जनरेटिंग कोड, ठीक है देखिए ये आ गया। अच्छा इस पे आपने गौर करना है कि देखिए यहाँ पे क्या कॉल हुआ है, हमारे प्रोडक्ट की जो क्लास है वो सही कॉल हुई है। ठीक है, अच्छा जब भी नया प्रोजेक्ट बनता है हमेशा होम चलता है, तो हमें क्या करना है, हमारा जो अपना कंट्रोलर का नाम है वो किस नाम से, यूजर, और उसके अंदर जो मैंने आई एक्शन रिजल्ट बनाया था वो किस नाम से बनाया था, एड प्रोडक्ट जिसपे हमने राइट क्लिक करके व्यू बनाया था, वो यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट का नाम इधर आएगा। इससे क्या होगा, ताकि पहले इसको चलाए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रन किया, यूजर, अच्छा हमारे कंट्रोलर का नाम प्रोडक्ट है ना, गलती की हमने, ठीक है प्रोडक्ट हमारे कंट्रोलर का नाम है। ठीक है, आप चेक करें सही, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इमेज के अंदर जो है वो चूज फाइल का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही स्टेप मुझे आपको दिखाना था। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे व्यू मॉडल। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम पर राइट क्लिक करके क्लास बनेंगे, किसी भी नाम से बन सकता है लेकिन मैं समझाने के लिए फिलहाल इस तरीके से बना दूंगा। इसके अंदर वही सारे कॉलम्स आपने रखने हैं जो आपने प्रोडक्ट की क्लास बनाते हुए रखे थे, सेम होंगे। कंट्रोल सी प्रोडक्ट व्यू मॉडल, यहाँ पे भी वही आएंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि जो इमेज है इसको हम स्ट्रिंग से हटा के यहाँ करेंगे आई फॉर्म फाइल, इससे वो चूज फाइल का जो ऑप्शन है जो नहीं आ रहा था वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है तो आप कर लें, ताकि हमें बाद में समझने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा ये जो हमने व्यू बनाया था इस पर राइट क्लिक करके,
एड व्यू जो हमने किया था, आप गो टू व्यू करके देखते हैं ऊपर, अभी जो नाम कॉल अगर ये रहा तो फिर हमारे पास चूज वाले का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपने करना है प्रोजेक्ट के नाम पर राइट क्लिक, सॉरी प्रोजेक्ट का नाम डॉट एंड देन हमारा व्यू मॉडल, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि हमने अभी कॉलम की चेंजिंग की थी, वहाँ हमने क्या रखा है, फोटो रखा है, जो भी नाम वहाँ दिया वो यहाँ पे आएगा। कंट्रोल सी ठीक है, चला कर देखते हैं। तो इससे तो ये होगा मेरे पास जो है वो जूस फाइल का जो ऑप्शन है वो ये ला के दे देगा, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जूस फाइल का मेरे पास अब ऑप्शन आ गया व्यू मॉडल बनाने के बाद। इसके लिए ना आपके पास वैसे भी है कि आपका आईफोन फाइल का कीवर्ड लगा लो। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, अब मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने वाला काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सेम नाम से बनेगा ये, कंट्रोल सी। अगर आपको नाम चेंज इधर रखना है तो फिर आपको यहाँ पर भी वो नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नाम इसका चेंज कर दो, मैंने फिलहाल इसका नाम चेंज नहीं किया। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, HTTP पोस्ट हम पे काम करेंगे, फिर रिकॉर्ड सेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम वही आता है जो व्यू पे टॉप पे फॉलो होता है, तो मेरे पास यहाँ पे वहाँ पे जो है वही आएगा प्रोडक्ट मॉडल, और इसको मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम असाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाला काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा फाइल नेम, जिसको मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, फिलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे जो प्रोडक्ट मैंने ऊपर बनाया हुआ है उसके अंदर जो कॉलम है फोटो, वो नॉट इक्वल टू नल हो। अगर वो नल नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे पास जो है मेरा आगे काम चलेगा, किसी भी नाम से मैंने यहाँ फोल्डर बनाया, अपलोड फोल्डर पाथ डॉट कम्बाइन, ठीक है, पाथ डॉट कम्बाइन के अंदर मेरे पास यहाँ पे हमें जो है वो होस्टिंग एनवायरनमेंट को कॉल करना है। जरूरी है कि वो होस्टिंग एनवायरनमेंट मेरे पास यहाँ पे कॉल हुआ हुआ हो। तो आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हम इसको कोई भी एक नाम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी नाम मैंने यहाँ से दिया है कंट्रोल सी करवाओ इसको। मेरे पास यहाँ पे होस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो वो मेरे पास यहाँ पे कॉल होगा HC, ठीक है। और इस HC के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इस होस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर इस HC को पेस्ट करेंगे। मैंने जो है वो HC को उसके इक्वल किया, ठीक है। अच्छा होस्टिंग एनवायरनमेंट अब हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। होस्टिंग एनवायरनमेंट मेरे पास जो है वो यहाँ पे पेस्ट होगा, वेब रूट पाथ, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे एक फोल्डर हम बनाएंगे जो कि अभी बनेगा ट्रिपल डब्ल्यू रूट के अंदर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये कोड हो गया, दूसरी लाइन का कोड हमारा ये है कि जो फाइल नेम के ऊपर मेरे पास वेरिएबल है जो कि एम्प्टी है, उसके अंदर हम लेंगे सबसे पहले तो GUID डॉट न्यू गाइड। इससे क्या होगा, मेरे पास हर इमेज का एक अपना खुद का जो नाम है वो ये जनरेट करके लेकर आएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद कॉनकैटिनेट किया अंडरस्कोर को, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जो प्रोडक्ट है इससे कॉलम का नाम, फोटो जो हमने बनाया था वहां से फाइल नेम, ठीक है। इस फाइल नेम पे आपके पास एरर देगा अगर आप वहां पे आपने आई फॉर्म फाइल का कीवर्ड नहीं लिखा हो, ठीक है। दूसरा इस लाइन ऑफ कोड से मेरे पास क्या हो रहा है कि पहले मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, बीच में अंडरस्कोर की साइन आएगी, और फिर हमारे पास इमेज का जो रियल नाम होता है लाइक शॉर्ट फॉर्म डॉट PNG या जिस तरीके से भी, वो मेरे पास इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं किसी भी नाम का, जैसे कि फाइल पाथ, यहाँ पे हम लेंगे पाथ डॉट कम्बाइन, और दोनों को यहाँ पास करेंगे, सबसे पहले अपलोड फोल्डर, दूसरा यहाँ पे पास करेंगे फाइल नेम को, ठीक है। ये दोनों मैंने यहाँ पास कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, प्रोडक्ट फोटो डॉट RF फोटो, ठीक है। प्रोडक्ट फोटो डॉट यहाँ पे आप लेंगे कॉपी टू का फंक्शन, और कॉपी टू के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे न्यू फाइल स्ट्रीम, ठीक है। क्योंकि हमें अपने फोल्डर्स को जो हमारी पिक्चर्स होंगी वो हमें ट्रिपल डब्ल्यू रूट के अंदर पास करनी है। फाइल पाथ यहाँ सबसे पहले तो आएगा ये फाइल पाथ ये वाला है, ठीक है। कॉमा देके आपने यहाँ क्या पास करना है, फाइल मोड डॉट क्रिएट, इससे मेरे पास क्या होता है कि वो PNG JPG हर इमेज की टाइप को सपोर्ट कर ले। ये 4 लाइन का कोड तो हमने कर दिया इमेज के लिए, लेकिन हमारे पास इमेज नहीं है, नेम और प्राइस का भी कॉलम है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, हमारा जो मॉडल का नाम है
तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा अभी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या कर देती हूँ, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ मैं प्रोडक्ट बंद कर रही हूँ, क्योंकि मे बी के बाद में मेरे पास फिर इस चीज़ पे इशू आ गए, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट पी इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें एसक्यूएल का कॉलम को हम इक्वल करेंगे प्रोडक्ट वन के नेम के साथ, ठीक है। वैसे ही सेम प्राइस को हम लोग इक्वल करेंगे प्रोडक्ट वन जो ऊपर है उसके प्राइस के साथ। तो कौन कौन से हमारे पास इमेज या एसक्यूएल से आ रहा है, इसको हम इक्वल करेंगे इस फाइल नेम, क्योंकि इस फाइल नेम के अंदर ही मेरे पास रैंडम नंबर और पिक्चर का नाम आता है, तो फाइल नेम मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये हो गया, इसको यहाँ से सेमी कोलन लगाए, और देन मेरे पास माय कॉन्टेक्ट जो पेज के टॉप पे बना हुआ है डॉट टेबल का नाम, उसमें हम ऐड करेंगे किसको, ये जो सारा ऊपर हमने इक्वल वाला काम किया वो किसमें किया, हमने इसमें किया, ठीक है। तो वो मेरे पास यहाँ पे आएगा, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे माय कॉन्टेक्ट को कर देंगे सेव चेंजेस, ठीक है। कोई मैसेज दिखाना है आपको तो यहाँ पर हम लेंगे व्यू बैक, कोई भी यहाँ पे नेम असाइन कर दें, या मैंने कह दिया रिकॉर्ड डॉट एडिट इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा मेरे पास जो है वो मेरे पास एक एरर ये थ्रो करेगा इमेज के नाम पर, तो उसके लिए आपको इसको इनेबल करवाने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ता है, ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा। उसके अलावा ये व्यू बैक कहाँ दिखाना है, जो रिकॉर्ड एडिट का मैसेज है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, व्यू पे लेके जाते हैं इसको, एंड यहाँ पे मैंने कहा पैराग्राफ के टैग के अंदर एट द रेट के साथ इसको मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलाकर देखें इसको। अच्छा एक चीज हमने इस स्टेप मिस कर दिया कि ये जो फोल्डर है ये मेरे पास ट्रिपल डब्ल्यू रूट के अंदर जाके बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर जो है वो मेरे पास इमेज इंसर्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से ऐड न्यू फोल्डर और फोल्डर का नाम, ठीक है। चला कर देखें इसको। यहाँ मैंने ले ली जैसे कि शर्ट, प्राइस हमने इसको कुछ भी बोल दी, फाइल सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे किसी ना किसी नाम से बन ले रहे थे, इसको मैंने यहाँ से क्रिएट किया, मेरे पास जो मैसेज है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड एडिट, यहाँ पे देखिए पिक्चर मेरे पास यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर मूव हुई, एक रैंडम नंबर गया, ठीक है। और अगर मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं, एग्जीक्यूट, देखिए रैंडम नंबर बीच में अंडरस्कोर और फिर हमारी पिक्चर का रियल नेम, ठीक है। तो ये तो मेरे पास इंसर्ट करने वाला जो कोड है वो सही हो गया। पैच करवाने वाला अगर कोड करना है तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपको ये जो माय कॉन्टेक्स्ट है ये यहाँ पे लेना है, ठीक है। डॉट टेबल का नाम जिससे हमें रिकॉर्ड को फैच करना है, यहाँ पे आप ले लोगे डॉट टू लिस्ट, ठीक है। ये मेरे पास जो है इस लाइन ऑफ कोड से मेरा फैच वाला काम हो जाएगा, लेकिन इस पर राइट क्लिक करके हम जो व्यू बनाएंगे रेजर व्यू, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर लिस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, माय कॉन्टेक्ट, इसको हम यहाँ से करेंगे ऐड, ठीक है। तो अब मेरे पास ये व्यू बनाएगा अपनी डिपेंडेंसीज को जो है वो अपडेट वगैरह करेगा, जनरेटिंग बोर्ड पे गया है भी। ठीक है ये मेरे पास कोड बन गया। यहाँ पे आप जो है अपनी हेडिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको जो अपने इस तरीके से शो करना था मैंने इसको हटा के यहाँ पे प्राइस, इसका एसक्यूएल के कॉलम से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेजेस लिखना है या माई इमेज है, जिस तरीके से भी मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, ये आपको चेंज नहीं करना वरना रिकॉर्ड पैच होकर नहीं आएगा। अच्छा लेकिन इसके अंदर एक चीज, यहाँ पे इन लोगों ने जो लगाया हुआ है इमेज हमेशा, उसको कंट्रोल एक्स कर दी ना, इमेज के लिए आपको इमेज का टैग ओपन करना पड़ेगा, टैग को क्लोज भी साथ ही कर देते हैं, स्टाइल विथ 100px, हाइट भी इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं, ताकि मेरे पास सारी इमेज डेटाबेस से आए वो एक ही उसमें आए, और जो रिकॉर्ड है वो यहाँ जो लाइन थी वो यहाँ पेस्ट करेंगे, ये स्पेस हटा दें, ठीक है। अच्छा लेकिन जब ये रिकॉर्ड ये लेकर आएगा
तो ये बेसिकली ये नाम लेकर आएगा, लेकिन हमारे पास पिक्चर कहाँ जा रही है, इस फोल्डर में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे डबल डॉट स्लैश उस फोल्डर का नाम जिसमें पिक्चर है, एंड देन स्लैश, और फिर ये जो बात है ये उठा, ठीक है। अब चेक करें चलाकर इसको। अच्छा अभी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैंने यहाँ पे आपके सामने नाम पास किया था ऐड प्रोडक्ट का, तो ऐड प्रोडक्ट ही चलेगा। अगर मुझे अपना सर्च वाला काम देखना है तो पहले कंट्रोलर का नाम देन एक्शन का नाम, मैंने यहाँ पे दिया इसको कंट्रोलर का नाम एक्शन का नाम, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी भी मेरे पास जो मेरी पिक्चर है वो लोड होके सही से नहीं आई है, तो क्या गड़बड़ की हमने, इमेजेस हो क्या, डबल डॉट स्लैश तरीके से करके देखते हैं। ये एसक्यू वाला कॉलम सही तो है हमारे पास, चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है कि हमने कहीं मिस्टेक कर दी हो। यहाँ पे कंट्रोलर एंड एक्शन, अभी बाकी चीजें आ रही है लेकिन हमारे पास जो पिक्चर है वो इसलिए नहीं उठा रही। ऐसा लग के देखते हैं। अच्छा ये जो नाम है ये एसक्यूएल सर्वर से मैच करें, सही चला कर देखते हैं। नहीं वाह, अच्छा मे बी के हमारे पास जो है वो इमेज की इमेज का इशू है, मैं इस इमेज को तो खैर ये सही लग रहा है। यहाँ से हम अपने टेबल को पहले एम्प्टी करते हैं, टंग के टेबल प्रोडक्ट्स, टेबल देखिए मेरे पास ये एम्प्टी हो गया, टेबल एम्प्टी हो गया। अच्छा अब मैं इसको वापस से रन करती हूँ और एक जो को दूसरी पिक्चर हम यहाँ पर इंसर्ट करके देखते हैं। अच्छा चल रहा है तब तक मैं यहाँ से कोई भी जो है वो सिंपल से पिक्चर डाउनलोड कर रही हूँ। यहाँ से मैंने प्राइस बोर्ड भी इसको फाइल सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट मेरे पास यहाँ पे जो है वो इमेज मेरे पास जो है सही लोड होके आ गई, ठीक है। ये हमारे पास जो फोल्डर का नाम है पास आ रहा है, ट्रिपल W 2 स्टार, ठीक है। ओके थैंक यू।